हर हर महादेव। दिव्य ज्योति चैनल के जो हमारे दर्शक हैं उन सभी लोगों को जो है सब परिवार मंगलमय कामना के साथ आज आप सभी लोगों से मेरा साधु आग्रह निवेदन है कि मेरे दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास पहुंच जाए और उसका लाभ आप उठा सकें। तो आइए आज है आप लोगों को मैं मंगल ग्रह के संबंध में बतलाने जा रहा हूं। लोग मंगल का नाम सुनते ही डर जाते हैं कि कुंडली मंगल है, क्यों डरना, मंगल ग्रह से क्यों डरना। आज है मंगल ग्रह से क्यों डरना है इसके संबंध में बतलाने जा रहा हूं। आप ध्यान से मेरी पूरी वीडियो को आप लोग देखें और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपकी आज की वीडियो में सबसे पहले पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। आइए आज आप लोगों को जो है मैं जो हमारे दिव्य ज्योति चैनल के सब जो भी सब्सक्राइबर है, दर्शक है, जो भी देखते हैं मेरी वीडियो को, उनको मैं बताने जा रहा हूं कि मंगल ग्रह से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंगल जो है उन नौ ग्रहों में से एक ग्रह का नाम है जो सौर मंडल के सदस्य है। यह लाल आभा वाला ग्रह है। जब यह चक्कर लगाते हुए पृथ्वी के समीप पहुंचता है उस समय यह लाल अंगारे के समान दिखलाई पड़ता है। किसा लाल अंगारे के समान। और इस ग्रह की प्रधान विशेषता यह है कि जब यह धरती की सिद्ध में आता है तब इसका उदयमान हो जाता है। उदय के पश्चात 300 दिनों के पश्चात यह वक्री मार्गी होकर के 60 दिनों तक चलता है। बाद में फिर अपने सामान्य परिक्रमा से जो परिक्रमा मार्ग पर जो है आकर 300 दिनों तक संचालित रहता है। ऐसी स्थिति के मंगल का जो है अस्त होना कहा जाता है। और मंगल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने की बूंद से धरती द्वारा हुई थी। विष्णु के किसे पसीने की बूंद से हुई थी। और जो है कहा जाता है महाभारत में जो है वर्णन है कि मंगल का जन्म जो है भगवान कार्तिकेय के शरीर से हुआ था। वामन पुराण के मतानुसार मंगल की उत्पत्ति तब हुई थी जब वह भगवान भास्करधारी भोलेनाथ ने महासुर अंधक का वध किया था। तो मंगल पृथ्वी का पुत्र है। मंगल को धरती पुत्र भी कहा जाता है, भौम पुत्र, भौम भौम भौमायन कहा जाता है, भौम पुत्र भी है। ये मंगल को जो है मंगल पृथ्वी का पुत्र भी है, अतः इसका एक नाम भौम भी है। मंगल का गोत्र भारद्वाज है क्योंकि इसे भारद्वाज मुनि का वंशज माना गया है और वे ब्राह्मण जाति के हैं। मंगल ग्रह का रंग लाल, मंगल का वाहन जो है आठ पहियों वाला मूंगा रत्न, वह लाल जो है रत्न जड़ित जो है स्वर्ण रथ है। इनके रथ में आठ तेजस्वी लाल घोड़े जुड़े होते हैं। मंगल ग्रह के विभिन्न नाम हैं इस प्रकार जो है, कोई भौम कहता है, कोई महिषुत कहता है, कोई भूमि कहता है, कोई सूत कहता है, कोई कुडाक्ष कहता है, कोई अग्नि कहता है, अंगारक है, कुछ है एवं रुधिर है। क्योंकि रथ का कारक ग्रह है इसलिए इनको कहा गया है। तो जो मैं अपने दर्शकों के बारे में बतलाया हूँ कि मंगल ग्रह से डरने की जरूरत नहीं है, ये पृथ्वीपति एक तरह से है, इनसे डरने की रही जरूरत नहीं है, मैं अपने दर्शकों से बतलाना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से साथ आग्रह करता हूँ कि आप लोग मेरी दिव्य ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास तुरंत पहुँच जाए, इसका लाभ आप लोग ले सकें।